एपिसोड की शुरुआत में मियाको हमें स्वैन लेक की आगे की कहानी बताती है। वो बोलती है कि प्रिंसेस के ऊपर लगा श्राप हटाने के लिए प्रिंस उसे सच्चा प्यार करने का वादा करने वाला था ताकि उसके ऊपर लगा श्राप हट जाए, लेकिन रॉथबैट ने प्रिंस को अपने जाल में फांस लिया और प्रिंस ने प्रिंसेस को वादा करने के बजाय रॉथबैट की बेटी को सच्चा प्यार करने का वादा कर दिया और इसकी वजह से प्रिंस को काफ़ी बुरा लग रहा था। तो वो प्रिंसेस के पास उससे माफ़ी मांगने के लिए जाता है, लेकिन सारे स्वैन प्रिंसेस को रोकने लगते हैं प्रिंस को माफ़ करने से, लेकिन प्रिंसेस फिर भी प्रिंस को माफ़ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉथबैट आ जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान लाता है प्रिंस को मारने के लिए। ये सब देख के प्रिंसेस को काफ़ी बुरा लगता है कि उसका श्राप कभी हट नहीं पाएगा और उसकी वजह से प्रिंस भी मरने वाला है। तो प्रिंसेस उस लेक में कूद के अपनी जान दे देती है, तो फिर प्रिंस भी अपनी जान दे देता है ताकि वो प्रिंसेस के साथ रह पाए। इसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ही अलग दुनिया में जाके अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारते हैं। मोरो बोलता है आखिरकार ये किस टाइप की स्टोरी है और ये स्टोरी हम इतने सारे लोगों के सामने जाकर प्ले करने वाले हैं। मियाको बोलती है स्वैन लेक की जो स्टोरी है उसकी एंडिंग हर बार अलग होती है, क्योंकि जो भी स्टूडियो स्वैन लेक की स्टोरी को अपने बैले डांस में इस्तेमाल करता है वो उसकी स्टोरी अपने हिसाब से चेंज करता है। और मोरो तुम जो इतने महीने से कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे हो वो तुम इसी स्टोरी को स्टेज पे परफॉर्म करने की कर रहे थे जो मैंने अभी तुम्हें सुनाई। मोरो बोलता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस फालतू स्टोरी को परफॉर्म करने के लिए इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चीज़ुरु बैले परफॉर्मेंस के लिए मोरो का मेकअप कर रही होती है। मोरो बोलता है मुझे ये बैले कॉम्पिटिशन बिल्कुल किसी स्कूल के एनिमल फंक्शन की तरह लग रहा है, और वो भी एक बेकार स्टोरी के साथ। क्या ऑडियंस को हमारा परफॉर्मेंस पसंद आएगा? चीज़ुरु बोलती है स्वैन लेक की स्टोरी के काफ़ी सारे टाइप्स हैं और हर एक स्टूडियो स्वैन लेक की स्टोरी को अपने हिसाब से प्ले करता है, लेकिन एक अच्छे बैले डांसर का यही काम है कि वो स्टोरी को समझ के उसके कैरेक्टर के अंदर घुसे और फिर वो अपना बैले डांस बिल्कुल उस कैरेक्टर को फील करके करे। और मोरो मुझे इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो और तुम्हें ये अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन अगर तुम एक बैले डांसर बनना चाहते हो तो तुम्हें उस कैरेक्टर और उस स्टोरी को फील करने आना चाहिए। और अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, जल्दी हमारे परफॉर्मेंस का नंबर आ जाएगा और तुम्हें अब जाके बैले डांस करना है, तो अपने आप को तैयार कर लो। मोरो बोलता है मैंने इतने महीने सिर्फ इस बैले डांस को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस की है, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं मुड़ने वाला और मुझे पता है कि मुझे स्टोरी के कैरेक्टर्स को फील कैसे करना है। मैंने यह काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर के अंदर घुसना है तो तुम्हें उस कैरेक्टर की खूबियों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, फिर तुम बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह बन जाओगे। चीज़रू बोलती है लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पिक्चरें देखी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आज इस पहले परफॉर्मेंस को अपनी एक्टिंग से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दोगे। लेकिन अब शांति से कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले तुम्हारा मेकअप ख़त्म करना है। इसके बाद चीज़रू अपने स्टूडियो के सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि तुम सब अपना मेकअप जल्दी ख़त्म कर लो क्योंकि हम सब एक ग्रुप फ़ोटो लेने वाले हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स ग्रुप फ़ोटो के लिए एक साथ आगे खड़े हो जाते हैं और चीज़रू और उन स्टूडेंट्स के बाकी पेरेंट्स उन सब की फ़ोटो खींचने लगते हैं। चीज़रू बोलती है बस अब थोड़ी देर में तुम सबको स्टेज पर जाके अपना बैले डांस परफॉर्म करना है। तुम सब ने इस दिन के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है, तुम सब ने बैले के नए नए स्टेप सीखे, काफ़ी गलतियाँ भी की और उन गलतियों को सुधारा भी, और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आज तुम सबको स्टेज पर परफॉर्म करना है। मुझे तुम सब के ऊपर बहुत गर्व है क्योंकि तुम सब अपनी मेहनत की वजह से आज इस स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हो और ये तुम्हारा आखिरी स्वैन लेक डांस होने वाला है इस ग्रुप के साथ, तो एक साथ इस परफॉर्मेंस को अच्छे से इंजॉय करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मरव कहीं जा रहा होता है, तभी मियाको आके उसे टकरा जाती है। मरव जब मियाको की तरफ देखता है तो वो रो रही होती है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। मियाको बोलती है मेरी मॉम की बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए और अगर मैं नीचे देखूंगी तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और इसलिए मैं तुमसे टकरा भी गई। मरव बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम चीज़रों की बातें सुनकर रोने लगी। फिर वो मियाको का हाथ अपने कंधे पर रखता है और उसको अपने पीछे पीछे आने के लिए बोलता है। मुरव अपने मन में बोलता है कि आज मैं मियाको के साथ आखिरी बार प्रिंस का रोल प्ले करने वाला हूँ, इसके बाद पता नहीं मैं मियाको के साथ कब बैले डांस कर पाऊँगा। मियाको बोलती है मुरव तुम्हारे साथ इतने महीने बैले प्रैक्टिस करने के बाद तुम मुझे बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लगने लगे हो, और तुम्हारे अंदर प्रिंस की सारी क्वालिटीज़ भी है। तुम हमेशा खुश रहते हो और पॉजिटिव सोचते हो और दूसरों को भी ऐसा करने पर मजबूर कर देते हो। मुरव बोलता है मेरे बारे में ऐसी बात मत करो, मुझे सच में काफ़ी अजीब लग रहा है। मियाको बोलती है मरो तुम्हें याद है उस दिन हम कोरियोग्राफी के प्रैक्टिस कर रहे थे और तुमने मेरे हाथों को किस कर लिया था। मुझे पता है कि उस दिन हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरी आंखों में देखा था उस तरीके से आज तक मुझे किसी भी लड़के ने नहीं देखा है। ये सब सुन के मरो अपने मन में बोलता है। मियाको ने बोला कि मेरे अलावा आज तक किसी भी लड़के ने इसे उस नज़र से नहीं देखा है,
क्या ये कहना चाहती थी कि मैं इसे पसंद आ गया हूँ या फिर ये मुझसे प्यार करती है? मुझे शायद इसे पूछ ही लेना चाहिए कि आखिरकार इसके दिल में है क्या। तभी कुछ बच्चे मियाको को आवाज़ देते हैं तो मियाको उनके पास चली जाती है। मुरव बोलता है मियाको आज हम बैले डांस में अपना बेस्ट देंगे और सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमें मोरी और चीजरू को दिखाया जाता है। चीजरू बोलती है मोरी तुमने बोला था कि तुम फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं करना चाहते हो लेकिन अचानक से तुम परफॉर्म करने के लिए मान कैसे गए? और अगर तुम परफॉर्म करना ही चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बस हम दोनों के बीच में जो वादा हुआ है उसे याद रखना कि तुम्हें इस फेस्टिवल में MVP जीतना है और इसके बदले में ओवरसीज बैले कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करने के लिए मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करवाऊंगी। फिर इसके बाद हमें कोई और उसके साथ एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती है हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, मोरू के परफॉर्मेंस की बारी आने ही वाली है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। कोई बोलता है मुझे उस मोरू का बैले डांस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो स्कूल में इसका रोज मजाक उड़ाने वाला था बैले डांस करने के लिए लेकिन अब तो ये बैले फेस्टिवल में भी परफॉर्म कर रहा है। फिर वो लड़की कोयू को लेके अंदर आ जाती है। वो बोलती है मरो का परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग ट्रेनिंग कैंप छोड़ के आए हैं तो हम लोग बिना देखे तो जाने नहीं वाले। फिर कोयू और वो लड़की जब अंदर पहुँचते हैं तो मरो का बैले परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और वो मियाको के साथ अपना बैले डांस कर रहा होता है। ये सब देख के कोयू हंसने लगता है। वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मरो सच में बैले डांस कर रहा है और आखिरकार इसने किस टाइप की ड्रेस पहन कर रखी है, ये बहुत फनी लग रहा है। मियाको और मोरू अपना बैले डांस करते हुए काफ़ी सुंदर लग रहे होते हैं तो चीजरू के स्टूडियो में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मॉम मियाको और मोरू की तारीफ करने लगती है। वो बोलती है मोरू का चीजरू के स्टूडियो में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसने काफ़ी जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तभी स्टेज पर रुथबर्ट का कैरेक्टर यानी कि मोरी की एंट्री होती है और मोरी को देख के वहाँ पर जितने भी ऑडियंस होती है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। कोयू बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मोरी को इतना अच्छा बैले डांस करने आता होगा और मुरव और मोरी मुझे डांस करते वक्त बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वो हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। इसके बाद वहाँ पर छोटे बच्चों की एंट्री होती है और वो सब अपना बैले डांस करने लगते हैं। फिर हमें चीजर को दिखाया जाता है। वो बोलती है मुरव मैंने तुम्हें जो भी बताया था तुम उसके ऊपर ध्यान दे भी रहे हो या नहीं? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें बेसिक स्टेप्स पर ध्यान देकर अपना बैले डांस करना चाहिए लेकिन तुम स्टेज पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो और अपने हिसाब से डांस कर रहे हो, तुम मेरी बातों पर ध्यान दे भी रहे हो या नहीं? मरो बोलता है अभी मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, वो स्टेज मुझे बुला रहा है और मुझे स्टेज पर जाकर अपना बैले डांस करना है। चीजरू बोलती है अभी तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है लेकिन स्टोरी के हिसाब से तुम्हें अच्छे से मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी वरना हमारा पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तुम्हारी सिर्फ एक गलती से। इसके बाद मरो स्टेज पर जाकर अपना बैले डांस करने लगता है और मरो का बैले डांस देखकर ऑडियंस में एक लड़की बैठी होती है उसकी आंखों में भी बिल्कुल मरो की तरह स्पार्कल्स आने लगते हैं। फिर वहाँ पर मुरिया जाता है और मियाको के साथ बैले डांस करते करते उसे मरो से दूर लेके जाने लगता है। तभी मरो मुरी के पास जाता है और उसके साथ बैले डांस करके मियाको को उसकी कैद से छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर मरो मियाको को मुरी के कैद से आज़ाद करवा देता है लेकिन तभी वहाँ पर मुरी यानी रॉथपैट वापस आ जाता है और वो मरो के साथ बैले डांस करके उससे फाइट करने लगता है। फिर मुरी मरो से फाइट करते वक्त मरो यानी प्रिंस को जमीन पर पटक के उसे मार देता है और प्रिंस को मारने के बाद मरो मियाको यानी प्रिंसेस के पास जाता है और उसे भी मार देता है और फिर उनके स्वैन लेक की स्टोरी के एंडिंग के साथ उनका बैले परफॉर्मेंस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मरो अपने मन में मियाको की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। मियाको ने उसे बोला था कि तुम मुझे बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लगते हो और तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे इस नज़र से देखा है। मरो बोलता है मियाको वो पहली लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर बैले डांस और एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उस मोरी के हाथों इतनी आसानी से नहीं मरना चाहता और वो भी एक प्रिंस होने के बाद। फिर हमें चीजर को दिखाया जाता है। वो उन छोटे बच्चों को बोलती है स्वैन लेक की स्टोरी अब ख़त्म ही होने वाली है तो तुम सब यह नीला कपड़ा लेकर मियाको और मुरो के ऊपर डाल दो और अपना बैले डांस करने के बाद वहाँ से चले जाना। फिर उन बच्चों में से एक लड़की बोलती है स्वैन लेक की स्टोरी अभी ख़त्म कहाँ हुई है क्योंकि प्रिंस तो अभी तक जिंदा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुरो उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे यहाँ तो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। मोरी बोलता है स्टोरी के एंडिंग के हिसाब से इसे तो मरने की एक्टिंग करनी चाहिए लेकिन आखिरकार इस बंदर का दिमाग में चल क्या रहा है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। चीजरू मोरी को इशारा करके बताती है कि वो मोरू के साथ बैले डांस करके उसे मारने की एक्टिंग वापस करे। इसके बाद मोरू मोरी के पास जाता है और बैले डांस करते हुए उससे लड़ाई करने लगता है। फिर बैले डांस करते हुए मोरी बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है,
क्या तुम इस चोरी को शांति से ख़त्म नहीं होने दे सकते थे? और अगर तुम अब वापस जिंदा हो ही गए हो तो इस बार मैं तुम्हें इतनी जोर से पटकूंगा कि तुम वापस उठ नहीं पाओगे। और मरो, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम उतनी कर लो, लेकिन तुम कभी भी मुझसे बेहतर नहीं बन पाओगे। तभी मोरी डांस करते वक्त मरो को ज़मीन पर गिरा देता है और स्टोरी और उसका बैले परफॉर्मेंस ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन मरो मरने की एक्टिंग करने के बजाय वापस उठकर खड़ा होने लगता है। ये सब देखकर उन बच्चों की माँ बोलती है, आखिरकार मरो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो एक बार मर कर जिंदा हो चुका है, लेकिन उसे ऐसा दूसरी बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से स्टेज की जो लाइटें होती है वो लाल हो जाती है। फिर मोरी डांस करते हुए मरो को ज़मीन पर गिरा देता है और फिर मरो यानी प्रिंस को मारकर अपनी स्टोरी और अपना बैले परफॉर्मेंस वहीं पर ख़त्म करता है। फिर वहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठी होती है वो मोरी और मरो का बैले डांस देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगती है। इसके बाद हमें चीज़र को दिखाया जाता है। वो बोलती है, मोरी तुमने रॉथबर्ट का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले किया और शुक्रिया मेरे इशारों को समझकर ये बैले परफॉर्मेंस ख़राब होने से बचाने के लिए है। और मरो, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम शांति से मरने की एक्टिंग नहीं कर सकते थे? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता था। मरो बोलता है, चीज़रू जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज बैले डांस करके मैंने सच में बहुत इंजॉय किया है। मियाको बोलती है, आप सब अपना झगड़ा बंद करके बाहर देखो, सारी ऑडियंस हमें एक बार और परफॉर्म करने के लिए बोल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठी होती है वो ज़ोर ज़ोर से वंस मोर चिल्ला रही होती है। ये सब देखकर वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है, मैंने फेस्टिवल के बैले कॉम्पिटिशन में ये पहली बार देखा है कि ऑडियंस वापस से बैले परफॉर्मेंस देखने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। फिर उन जजेस में से एक लेडी बोलती है, बैले डांस फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऑडियंस एक ही बैले परफॉर्मेंस वापस देखना चाहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने लो क्लास परफॉर्मेंस में इन्हें अच्छा क्या लग रहा है। सो गाइस, यहीं पर हमारे डांस डांस डांसर के 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, सायोनारा।